होते हैं, किस वे से आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं बोर्ड की कॉपियों में, भाई वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपको जब नंबर दे रहे होंगे तो आपकी शक्लें नहीं दिखेंगी उन्हें, आपकी कॉपियां दिखेंगी और आपने कॉपियों में क्या लिखा है वो दिखेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। पहला टिप क्या है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते नहीं है। मैं उसका रीजन बताता हूं क्यों। जब हम एग्जाम देने जाते हैं हम वैसे ही बहुत नर्वस होते हैं, और नर्वसनेस बुरी बात नहीं है, होना चाहिए, लेकिन ओवर नर्वसनेस नहीं होना चाहिए। इतने ज्यादा मत घबरा जाओ कि आप क्वेश्चन में लिखा है यहां पर इनकरेक्ट और आप पढ़ रहे हो करेक्ट, आपने छोटे छोटे शब्द छोड़ दिए जिससे आपका क्वेश्चन का आंसर ही गलत हो गया। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, नर्वसनेस की वजह से ऐसा होता है एज अ ह्यूमन बीइंग, पर ज्यादा नर्वसनेस की वजह से ज्यादा गलतियां होती हैं। तो बेटर है कि शुरू में आप अपने आप को काम रखो, क्वाइट रखो और आराम से पूरे सवाल को पढ़ो। अगर आप शुरू में एक दो सवाल अच्छे कर देते हो तो आपका मोराल बूस्ट हो जाता है, फिर उसके बाद आप चकदे फटे नब्दे गिल्ली सुबह जलंधर शाम नू दिल्ली। टिप नंबर टू क्या है, अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चंस। पता है मैं अपने बोर्ड एग्जाम के बारे में बताता हूँ आपको, मेरा बोर्ड एग्जाम का ना मतलब जब भी मैं बोर्ड एग्जाम देने जाता था सिंपल फिलोसफी थी मेरी। क्या फिलोसफी थी, कैसे भी हो जाए मुझे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कैसे भी हो जाए मुझे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और अगर आप लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपको पास और अच्छे नंबर से कोई रोक तो नहीं सकता। जब आप सारे, अगर मान लो आपने को किसी, आप एक क्वेश्चन बड़ा अच्छे से आता था, लगे हो उसके अंदर लिखने में, लगे हो, अरे बस करो यार कितना लिखोगे, इस चक्कर में आपके दो क्वेश्चन छूट जाएंगे, वो तो क्वेश्चन चार ही नंबर का है। तो अगर आप लोगों ने फिलॉसफी बना ली आज ही कि मैं एग्जाम में बैठने के बाद सारे क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा नहीं जिसको मैं छोड़ दूं, मैं सारे क्वेश्चन जरूर लिख के आऊंगा। ये मेरी एक पेट स्ट्रेटजी थी जो आप लोगों को भी अपनानी है कि मैं कोई क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, मुझे कुछ भी आता है उससे रिलेटेड मैं पक्का लिख के आऊंगा। Now that's very 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 important thing. अगर आपको पास होना और अच्छे नंबर बनाने हैं तो ये स्ट्रेटजी आप लोग ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या हुआ पता है, अगर आप सारे क्वेश्चन करने की सोच रहे हो तो आप लोगों को जितने क्वेश्चन का मार्क्स लिखे हुए हैं सामने की, एक क्वेश्चन एक नंबर का है या दो नंबर का है, जितने मार्क्स लिखे हुए उसी हिसाब से आप लोगों को आंसर लिखने चाहिए। आ रहा है समझ में। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, राइट टू द पॉइंट आंसर्स इन पीसीबी। अब देखो ये पॉइंट और पिछला पॉइंट एक दूसरे से रिलेट करता है। अगर आप लोगों ने सोच लिया कि मेरे को पूरे क्वेश्चन करके आने हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको टू द पॉइंट ही आंसर लिखने पड़ेंगे। अगर आप बेमतलब कोई एक क्वेश्चन है मेरे को आता है बड़ा मेरा फेवरेट है, उस चक्कर में आपने आधा घंटा खराब कर दिया, क्या मतलब है, बाकी पेपर तो छूट जाएगा, पास तो नहीं हो पाओगे, तो इतनी चाहत किस बात की है। आ गया समझ में। सो प्लीज आप अपना समय बर्बाद ना करें। तो ये अननेसेसरी बेमतलब का लिखना चिखना कोई फायदा नहीं है, आप टू द पॉइंट आंसर दें। कहते साइंटिस्ट का नाम लिखते हो कि लंबी की लाइन लिखते हो तो नंबर उतने ही मिलने हैं। जो पहला सीधे लिख दोगे तब भी एक ही मार्क मिलेगा, नहीं लिखोगे तब भी एक ही मार्क मिलेगा, तो फालतू के झंझट पालने क्यों। आ रहा है समझ में। तो ये पॉइंट नंबर चार क्या है, राइट आंसर्स इन पॉइंट्स ओनली। मतलब आप देखो मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा। आप इस किसी टॉपर की ये कॉपी है और ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लिखने का। आप क्या करो, आप पॉइंट्स बनाओ। सबसे पहले पॉइंट बनाया, उसको अंडरलाइन किया और उसके आगे पॉइंट, और ये सबसे अच्छा तरीका होता है। और जितने भी आपके एग्जामिनर होते हैं ना इसको बेस्ट तरीका मानते हैं, क्योंकि उन्हें ना ये पॉइंट पढ़ने को मिल गया इसका मतलब आपका ये कि आपको क्वेश्चन का आंसर आता है। लगातार मत लिखो, कई बच्चे से लगातार आंसर लिख देते हैं, वो गलत है। आपको पॉइंट बना के आंसर लिखने चाहिए और ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने का, क्योंकि उसे मालूम पड़ जाता है कि तुम लोग बेसिकली ब्रेक भी दे रहे हो और तुम लोग क्वेश्चन के आंसर के बारे में जानते भी हो, लिखना चाहिए। पांचवें पॉइंट की तरफ चलते हैं, हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद अंडरलाइन। नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं जरा देखो। मान लो आपसे क्वेश्चन आ गया व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। So, आपने लिखा बायोटेक्नोलॉजी इज इक्वल टू बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी। सो इन दैट केस अगर आप कोई पैराग्राफ लिखने जा रहे हो व्हाटएवर, तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका पॉइंट है ना उसको अंडरलाइन करो तुरंत। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बच्चे मैंने देखे लड़कियां स्पेशली हाईलाइटर लेके जाते हैं तो वो हाईलाइट भी करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को। तो बेसिकली जो आप अंडरलाइन करते हो ना, अंडरलाइन लाइंस ही पढ़ के वो आपको नंबर देता है। फालतू की बकवास जो एग्जामिनर पढ़ता नहीं क्योंकि उसके पास समय नहीं होता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप लोगों को प्रॉपरली बराबर से अंडरलाइन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। छठे पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 6, ऐड फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स। नाउ बायो के बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सामने कोई सवाल आता है तो उसका आप डायग्राम प्रॉपरली बना के आओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप डायग्राम बना रहे हो
तो आप अच्छे से उनके जो नेमिंग है कि कौन सी चीज़ क्या है उसको भी आप अच्छे से लिखो, डायग्राम को अच्छे से पेंसिल से ड्रॉ करो। इसके अलावा आप एक और तरीका आजमा सकते हो क्वेश्चन के आंसर देने का, एंड दैट इज फ्लो चार्ट। ठीक है, देखो आप साइंस के बच्चे हो, जरूरी नहीं आपको पैराग्राफ में लिखना है। ठीक है, तो जैसे आपको डीएनए आरएनए के बारे में या प्रोटीन के बारे में पूछ लिया, तो आप इस तरह से फ्लो चार्ट भी बना के दिखा सकते हो, और ये बहुत प्रॉपर तरीका है जिसे पूरे मार्क्स मिलते हैं। रादर राइटिंग डाउन द थिंग्स, बेटर टू गो विद द डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स, दैट विल गिव यू मोर मार्क्स इन लेस टाइम। समझ में आ गया? क्योंकि उसको जो चाहिए एग्जामिनर को वो तो उसे मिल गया, तो वो क्यों एक्स्ट्रा दिमाग लगाएगा अपना। तो ये इंपॉर्टेंट तरीका होता है कि आप फ्लो चार्ट लो, डायग्राम लो, अच्छे से रिप्रेजेंट करो, दैट विल गिव यू मोर मार्क्स। और उसकी ना बेसिकली क्या होगा, एग्जामिनर ने समझ में आ जाएगा कि इस बच्चे को वाकई में पता है कि साइंस में आंसर कैसे लिखे जाते हैं। समझ में आ गया? सातवां पॉइंट पर चलते हैं, इंक्लूड एग्जाम्पल्स इन आंसर्स। आप अपने जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आप लोग एग्जाम्पल को साथ साथ में लिखो। जैसे मान लो कोई डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन लिख देता है कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, सपोज करो। सो आप लोगों ने लिख दिया कि हाइब्रिडाइजेशन इज दिस इज दिस, एग्जाम्पल दे दो साथ में, क्या जाएगा आपका? सिर्फ डेफिनेशन से काम नहीं चलता, उसके एग्जाम्पल भी साथ में दो। हमेशा याद रखो कि आपको कोई सवाल पूछा गया है तो आप ट्राई करो उसके एग्जाम्पल दो, क्योंकि उससे तब समझ में आ जाएगा कि इस बच्चे को क्या है। बेसिकली एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि वाकई में आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है कि नहीं आता। आठवां पॉइंट, आंसर इन प्रॉपर सीरियल ऑर्डर सेक्शन वाइज। ये ना मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा, मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि देखो सपोज करो कि आपके सामने पेपर है और पेपर में ना आपको सी सेक्शन अच्छे से आता है, लेकिन है ना एग्जामिनर जो होते हैं ना, आप मान के चलो जो कॉपियां चेक करते हैं ना, उनके पास बहुत कम समय होता है और कॉपियां बहुत ज्यादा होती हैं, और उनके पास एक पेपर दिया जाता है कि भैया ये पेपर आया था आप चेक कर लो। अब क्या ना उसका दिमाग घूम जाएगा अगर मान लो आपने सी सेक्शन को पहले कर लिया, तो वो तो पेपर में देखेगा ये सवाल है और तुमने कुछ और ही लिखा हुआ, इतना समय नहीं होता उसके पास, वो समय नहीं है इसके पास कि वो चेक करेगा। बेटर है कि, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आप लोग ध्यान रखना है, आप पहले सेक्शन ए को, और मान लो उसमें पहला सवाल नहीं आता जगह छोड़ दो, लेकिन प्लीज आप सेक्शन को मेंटेन करते हुए चलो, सेक्शन ए फिर बी फिर सी, प्लीज ज्यादा फेर बदल मत करो। मैं होशियारी झाड़ के मैं तो सी सेक्शन को पहले लिखूंगा, उस चक्कर में तुम्हारे को प्रॉब्लम भी हो सकती है। बेटर कि आप सेक्शन वाइज चलो, सेक्शन ए को पहले, फिर सेक्शन बी को, फिर सेक्शन सी को, जिससे उसके पास पेपर होगा तो वो अच्छे से चेक कर पाएगा, उसको ज्यादा ना वो नहीं होगी। जरा समझो, हर किसी एग्जामिनर है उसको चिढ़ होने लग जाती है, क्या लिख रहा है ये, समझ में आ रहा है? फिर वो आप नंबर काट लेगा बेमतलब। नाइन्थ पॉइंट, डोंट पुट टू मेनी क्रॉसेस। अब ये भी बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है, कॉपियां वो लिखते नहीं है, वो कॉपियां खराब कर रहे होते हैं। समझ में आ गया? बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी ना इमेज खराब कर रहे होते हैं, कॉपियां खराब कर रहे होते हैं ऐसे टिक कैंसिल कर करके। तो फिर पहले ही समझदारी से लिख लो, पहले बताओ कि किस किस बच्चे ने ये कारनामे किए हुए हैं कॉपी के अंदर, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन किसके। तो ऐसे मत किया करो, बेटर है कि आप लोगों को जब पूरा कॉन्फिडेंस हो आप तभी लिखो। क्यों हॉचपॉच मचा रखी है? जब आपकी गंदी कॉपी देखेगा आपको नंबर दे देगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतनी गंदगी मत फैलाओ कॉपी के अंदर, पता लगेगी कचरा ही कचरा दिखाई दे रहा है। दसवां पॉइंट क्या है, डोंट डेकोरेट द आंसर शीट। कई बच्चे बहुत होशियार होते हैं, बराबर टू द पॉइंट लिखो, इतनी डेकोरेशन मत कर दो कि सामने वाला कहे कि मैं डेकोरेशन के नंबर दूंगे, तुम्हारे मार्क्स के नंबर दूं, तुम्हारे कॉन्सेप्ट के नंबर दूं, किस बात के नंबर दूं। ठीक है, तो प्लीज आप ये काम मत करो। ठीक है, सो फाइनली पॉइंट नंबर 11, डोंट पुट राइट एनीथिंग इररिलेवेंट। एक और बात, हाँ ये जरूर पुट राइट ये देखा मैंने कि कई लोग ऐसा जैसे पास होना है, ठीक है, अब कुछ किया तो है नहीं कॉपी के अंदर, तो 100-100 रुपए के नोट डाले है तो ये जो काम है बेसिकली, वाह क्या फोटो लगाई है कार्तिका, वेरी गुड। सो फाइनली ये जो काम होता है ना बेसिकली, जिसमें नोट घुसा के आते हैं, ऐसा सोचते हैं कि भाई नोट घुसा दो नहीं, एग्जामिनर दया से कुछ नंबर दे देगा। कई लोग नोट घुसा देते हैं, कई लोग अपने ना भगवान के ऊपर वाले की फोटो डाल देते हैं कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा ऐसा भी लिख के आते हैं। सो इन दैट केस आप प्लीज मत करो ऐसा, कोई फायदा नहीं है, गुस्से में आके वो सारे आपके नंबर काट लेगा, आपको फेल भी कर सकता है। सो ऐसे इररिलेवेंट काम आपको बिल्कुल करने नहीं चाहिए। समझ में आ गया? करना आपको इररिलेवेंट चीज, इररिलेवेंट लिखना। गुरु जी ऐसे कई तो हाथ जोड़ लेते हैं, गुरु जी प्लीज मार्क दे देना, पापा मारेंगे, मम्मी मारेगी, मेरे पापा को दिल का दौरा पड़ जाएगा। नहीं नहीं, कई लोग ऐसा भी लिख देते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो मेरे पापा को, कई एक टीचर को ऐसा लिख दे कि बच्चे ने, अगर मैं फेल हो गया तो मेरे पापा को दिल का दौरा पड़ जाएगा, और मेरे पापा को दिल का दौरा पड़ गया तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो गए एग्जामिनर।
अगर तुम्हें पास नहीं किया था तो ऐसी चीजें लिखते हो, उसकी क्या गलती है, तुम भी पढ़ के जाओ। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। उसके बाद क्या है 12, मेंटेन स्पीड फ्रॉम द बिगनिंग। शुरू से ही ना स्पीड बना के चलो, पेपर कभी कभार लेंथी आता है, तो बेटर है कि आप शुरू से अगर अच्छा लिखोगे, तेज स्पीड से लिखोगे, तो डेफिनेटली आप बाद में रिव्यू भी कर पाओगे, वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन शुरू में काफी लोग बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, घबराए हुए होते हैं, तो उनको लगता है पता नहीं क्या ही हो जाएगा। 13th point, रिवाइज द आंसर शीट केयरफुली एट द एंड। प्लीज आप लोग पहले तो स्पीड मेंटेन करो, फिर उसके बाद जब आपके पास समय बचे तो उसमें आप अपने आप अपने क्वेश्चन आंसर्स क्रॉस चेक भी कर लो कि तुमने सही लिखा है क्या, क्वेश्चन का नंबर सही लिखा है, क्वेश्चन का आंसर सही लिखा है, क्रॉस चेक कर लो। और ये तभी पॉसिबल है जब आप समय से पूरा पेपर कर लोगे, समय से पहले पूरा पेपर कर लोगे। जो तो लास्ट तक तो लिखता रहता है वो तो क्या ही करेगा, है ना। सो ये छोटी छोटी चीजें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है।